नमस्कार संविदा कर्मचारी आउटसोर्स कर्मी दैनिक कर्मी साथियों, आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर क्रांतिकारी अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को जो है कि दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ अग्रिम बधाई देते हुए कामना करते हैं कि दिवाली का पर्व आप लोगों के जीवन में खुशियों का और हर्ष का, उल्लास का जो है कि माहौल लेकर साबित हो और आप लोगों को सारी मनोकामनाओं को सरकार पूरा करे। दोस्तों, आज आप लोगों के उज्जवल भविष्य के संबंध में की जा रही कार्यवाही की जानकारी लेने हेतु हमारे सूत्रों ने केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट के जो है कि प्रधान सचिव से संपर्क स्थापित कर एस सिद्धार्थ से जानकारी प्राप्त किया। उनसे जो है कि जानकारी प्राप्त करने के क्रम में बहुत सारी बातों का जो है कि जानकारी प्राप्त हुआ है, वह सारा खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार में जो है कि संविदा कर्मियों का भविष्य उज्ज्वल होने वाला है। बिहार के संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी जो है कि लगातार अपनी मांगों के समर्थन में अड़े हुए हैं। इस बात की जानकारी हम लगातार सरकार को दे रहे हैं और सरकार जो है कि सकारात्मक रुख अपनाते हुए पिछले वर्ष बहुत सारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक कर्मियों के मामलों का संज्ञान ले चुकी है, जिसमें कुछ संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि हुआ आपने देखा। उसी प्रकार जो है कि आप सभी का भी वेतन वृद्धि सरकार करने जा रही है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नारा दिया है 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी और संविदा कर्मी के जीवन का कल्याण सरकार करेगी। किंतु जो है कि इसमें विपक्ष की भूमिका भी अहम होती है। विपक्ष ने एक बार भी संविदा कर्मी को अपना मुद्दा बनाने का काम नहीं किया। विपक्षी राजनीतिक दलों ने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात तो की, किंतु संविदा कर्मियों के जीवन में उजियारा फैलाने हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से मामले तो ठंडे पड़ रहे थे, किंतु हम लगातार इसको हवा देकर जो है कि संविदा कर्मियों की बात को सरकार तक पहुंचाए और आज भी जो है कि पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उनसे संपर्क स्थापित कर संविदा नियोजित कर्मियों के जीवन में उजियारा फैलाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का जो है कि जायजा लिया। और जायजा लेने के क्रम में बिहार के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा जो है कि बताया गया कि बहुत जल्द संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक कर्मियों के सारे कार्य जो लंबित पड़े हुए हैं उसका निष्पादन बिहार सरकार करने जा रही है। बिहार सरकार की सोच है कि संविदा कर्मी का वेतन 35,000, आउटसोर्स कर्मी का वेतन लगभग 30,000 और दैनिक कर्मियों को 783 रुपये न्यूनतम मजदूरी की दरें देने हेतु जो है कि नियम बनाकर उसे लागू किया जाए। इस कड़ी में बिहार सरकार सबसे पहले जो है कि ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, रात्रि प्रहरी, बिजली विभाग, मानव बल, किसान सलाहकार, रसोईया और जो है कि आईसीटी इंस्ट्रक्चर और जो है कि आपको बताते चले बीडीएमसी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, किसान सलाहकार, इंद्रावास सहायक, पंचायत रोजगार सचिव सहित जो है कि लाखों पदों पर कार्य कर रहे 2007 से और उसके बाद के वर्षों में नियोजित नीतीश सरकार के कार्यकाल में नियोजित संविदा कर्मियों का कल्याण सरकार करेगी। साथ ही साथ आउटसोर्स कर्मियों का सेवा, स्थायी सेवा समायोजन की मांग को पूरा करेगी। यहाँ तक कि बिहार होमगार्ड के जो लोग हैं, जो चयनित लोग हैं, गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड के लोग, उनको भी समायोजन कर जो है कि लाभ देगी। बिहार में लाखों की संख्या में डॉक्टर और इंजीनियर और प्रोफेसर संविदा पर कार्य कर रहे हैं। इन सब की सेवाएं सरकार नियमित करेगी और यह सब कुछ जो है कि करने की बात बिहार सरकार के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव जो है कि एस सिद्धार्थ के द्वारा जो है कि बताई जा रही है। श्री एस सिद्धार्थ ने जो है कि हमारे सूत्रों को बताए हैं कि संविदा नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी का वेतन वृद्धि का मामला इस वर्ष चुनाव के पूर्व जो है कि सरकार निपटा देगी और तमाम लोगों को जो है कि तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में बढ़े हुए मानदेय का गिफ्ट सरकार देकर इन लोगों की मांगों को पूरा करेगी। सरकार का रुख सकारात्मक है,
फिर भी संविदा पर नियोजित कर्मी कुछ साथी जो है कि नकारात्मक बातें सोच रहे हैं, उन्हें लगता है कि अब वह फंस चुके हैं, उनका जो है कि अब कुछ नहीं होगा। तो यह जो है कि उनके मति भ्रम इसको कहा जा सकता है, यह उनकी मानसिक स्थिति है, ऐसा जो है कि हकीकत नहीं है। कोई भी संविदा कर्मी छोटा हो या बड़ा, चाहे किसी भी विभाग में दैनिक कर्मी हो, आउटसोर्स कर्मी हो, सभी लोगों को जो है कि पूरे जीवन एक सीमित मानदेय पर नहीं रखा जा सकता। समय के अनुसार सबको जो है कि वेतन की बढ़ोतरी की लाभ मिलना ही चाहिए। जिस तरह विकास मित्रों को 12,000 से 25,000 रुपये तक का मानदेय और साथ में जो है कि बहुत सारी सुविधाएं, कुल मिलाकर जो है कि 28,000 से 30,000 रुपये जिस तरह सरकार की है, उसी तरह विकास मित्रों को राजकर्मी का दर्जा और तमाम छोटे छोटे संविदा कर्मी जिसमें जो है कि ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, BDMC डाटा एंट्री ऑपरेटर, ICT इंस्ट्रक्चर, बिजली विभाग मानव बल, रात्रि प्रहरी, पंचायत रोजगार सचिव, इंद्रावास सहायक, ICT इंस्ट्रक्चर और जो है कि तमाम कर्मियों को लाभ उसी प्रकार देकर और चौगुना से चौगुना वृद्धि कर उन्हें जो है कि 30,000 से 35,000 की श्रेणी में लाकर और तमाम तरह की सुविधाओं से लैस करने का काम बिहार की सरकार को